वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम द TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज आपके जो फाइनल कोर्स में मैंने स्टोरी दी है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्टोरी है उसका नेम है कैप्सुला एंड द मंकी, टोपी विक्रेता और बंदर। अ कैप्सुला यूज टू गो टू सेल कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। इस स्टोरी में एक टोपी विक्रेता है, यानी कि टोपी बेचने वाला है, जो कि अपनी टोपी को बेचने के लिए गांव से गांव जाता है, मतलब गांव में घूम घूम कर अपनी कैप को बेचता है। वन डे व्हेन ही रीच अ गार्डन ही वॉज वेरी टायर्ड, मतलब एक बार जब वह गार्डन में जा रहा था वो बहुत थक गया था, मतलब बेचारा गांव से गांव जा रहा था अपनी कैब्स को सेल करने के लिए। तो जब वो चलता चलता बहुत थक गया तो गार्डन के पास में था, और सो ही पुट हिज लॉट ऑफ डाउन अंडर द ट्री एंड कैप्ट हिज हेड ऑन इट एंड ले डाउन टू स्लीप व्हेन ही वेक अप। कहने का मतलब ये है कि जो एक टोपी विक्रेता था वो टोपी बेचते बेचते थक गया था, और इसलिए जब उसने गार्डन देखा तो उसने सोचा कि वहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो उसने जो वो जो टोपी की एक गठरी लेके जा रहा था जिसमें कि उसने टोपी बांध रखी थी, तो उस गार्ड को उसने क्या करा, पेड़ के नीचे रख दिया और वहाँ पर आराम करने लगा। व्हेन ही वेक अप, जब वो जागा, आफ्टर सम टाइम फाउंड दैट सम मंकीज हैड टेक अवे ऑल द कैप्स, थोड़े समय बाद देखा कि सारे जो मंकीज है वो उसकी टोपियाँ लेके चले गए। दे हैड पुट द कैप्स ऑन देयर हेड, और उन सब ने टोपियाँ अपने सर पर पहनी हुई है, मतलब जिस पेड़ के नीचे वो सोया था वहाँ पे बहुत सारे बंदर बैठे थे। तो उसने क्या देखा, थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा, जब वो जागा तो उसने क्या देखा कि जो बंदर थे वो उसकी सारी कैप्स लेके चले गए थे, ठीक है, और उन्होंने अपने सर पर पहनी हुई थी। दे हैड पुट द कैप्स ऑन देयर हेड, और उन्होंने वो जो टोपी थी वो अपने सर पर पहनी हुई थी। ही डिड नॉट नो हाउ टू गेट देम बैक, वो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इन बंदरों से ये जो टोपी है वो वापस कैसे ली जाए। एन आइडिया फ्लैश इन टू द माइंड, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दे थ्रो अब उसके दिमाग में क्या आइडिया आया, ही थ्रू हिज ओन कैप हाई इन द एयर, उसने अपनी जो टोपी थी वो हवा में फेंकी। मंकीज कॉपीड हिम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। दे थ्रू द कैप्स ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही बंदर क्या करते हैं, नकलची बंदर होता है, यानी कि वो आपकी नकल करते हैं, आप जैसा करोगे वैसा ही वो करेंगे। तो जैसे उस टोपी विक्रेता ने अपनी वो जो कैप थी उसको फेंका, तो जो मंकीज थे उन्होंने भी सेम कॉपी किया, उन्होंने भी अपनी जो कैप थी वो थ्रो कर दी, उसको भी फेंक दी। दे थ्रो द कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपनी जो सारी टोपियाँ थी वो भी ज़मीन पर फेंक दी। द कैप्सुला कलेक्टेड द कैप एंड वेंट हैप्पीली, तो जो कैप्सुलर था उसने क्या किया, जब बंदरों ने टोपी उतार कर फेंक दी तो उसने सारी टोपियाँ कलेक्ट कर ली और वो वहाँ से चला गया। तो ये कहानी थी, किसकी थी, एक कैप्सुलर की थी और मंकीज की थी। एक कैप्सुलर होता है जो कि अपने कैप को सेल करने के लिए गांव से गांव में घूमता जाता है। अब क्या हुआ, बेचारा चलता चलता थक गया, तो क्या हुआ, उसने एक गार्डन में सोचा कि थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, थोड़ी सी देर मैं सो जाऊँ। तो वो थोड़ी सी देर एक पेड़ के नीचे लेट गया, उसको दिखा नहीं कि पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे। तो जो टोपी विक्रेता की वो जो गांठ थी जिसके अंदर की वो टोपी रखकर लाया था, वो बंदरों ने क्या करा, उसको खोल लिया और उसमें से सारी कैप बंदरों ने पहन ली। अब जब एक डेढ़ घंटे बाद आराम करके जब वो कैप सेलर उठा तो उसने क्या देखा कि बंदरों ने सारी कैप्स पहन रखी है। तो वो डर गया, अब बाप रे इन बंदरों से कैसे उन कैप्स को वापस लिया जाए। तो उसने क्या किया, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उसने शांत दिमाग से सोचा कि मैं कैसे इनसे लूँ। तो उसको एक आइडिया आया, उसने सोचा कि बंदर तो क्या होते हैं, नकलची होते हैं, यानी कि जैसा हम करते हैं वैसा ही वापस करते हैं। तो उसने क्या करा, अपनी जो टोपी थी वो उसको ज़मीन पर फेंकी। तो एज इट इज़ बंदरों ने भी क्या किया, वो जो कैप्स थी उसको बंदरों ने भी ज़मीन पर फेंक दी। और जैसे ही बंदरों ने कैप ज़मीन पर फेंकी तो जो कैप सेलर था उसने फटाफट से वो कैप्स कलेक्ट किया और उसे अपने गठरी में भागा और वो वहाँ से फटाफट चला गया, ठीक है। तो एक इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, नेवर लॉस हार्ट, कि चाहे कितनी मुसीबत आ जाए हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, कभी भी हमको अपना जो संयम होता है उसको नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी मुसीबत आए तो हमें अपनी बुद्धि से काम में रख लेना चाहिए। तो जैसे कि उसने अपनी बुद्धि लड़ाई, उसे आइडिया आया और उसने वैसे किया और उसकी शांति के कारण उसे वो सारी कैप्स मिल गई। तो नेवर लॉस हार्ट की कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो शांति से अपने दिमाग से सोचना चाहिए, तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। तो ये स्टोरी थी कैब सेलर एंड मंकी की। तो एक तो ये स्टोरी आपको लर्न करनी है, लिखनी है कॉपी में फाइनल एग्जाम के लिए। और एक और स्टोरी है द लॉयन एंड द माउस। वंस अ लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, शेर और चूहे की कहानी कि एक बार एक जो शेर था वह पेड़ के नीचे सो रहा था। द माउस जंप ऑन हिज बॉडी, लॉयन्स बॉडी, और एक छोटा सा चूहा था वो शेर के शरीर पर कूदने लगा था। लॉयन कॉज द माउस बैग्ड फॉर इट्स लाइफ, और जब शेर के ऊपर जो चूहा था वो कूदने लगा तो क्या हुआ, शेर ने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। तो फिर माउस ने क्या कहा, उससे माफ़ी मांगने लगा, जो चूहा था वो शेर से माफ़ी मांगने लगा था। लॉयन टुक पिटी ऑन द माउस एंड लेफ्ट इट गो, तो फिर जो शेर था उसने क्या करा, उसको चूहे पर दया आ गई, उसने जाने दिया। वन डे द लॉयन वॉज कॉच इन द नेट, तब फिर क्या हुआ कि जो एक जो शेर था वो जाल में बंद हो गया। द लॉयन क्राइड फॉर हेल्प, और जोर जोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए। द माउस केम आउट टू हेल्प द लॉयन, तो चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी और वो चूहा तुरंत ही उस वक्त आया और उसने क्या करा, इट कट द रॉक ऑफ द नेट एंड सेट द लॉयन फ्री। तो जो जाल था शेर का जिसमें कि वो फंस गया था वो चूहे ने अपने दांतों से काट दिया और इससे जो शेर था वो जाल से छूट गया। द लॉयन थैंक द माउस, और उसने शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। मॉरल है डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तो ये शेर और चूहे की कहानी है कि एक जो शेर है वो जंगल में सो रहा होता है और चूहा जो आता है वो उसके ऊपर कूदने लग जाता है। शेर को गुस्सा आता है, वो उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ लेता है और खाने लगता है। तब चूहा उसे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, एक दिन ज़रूर से मैं तुम्हारे काम आऊँगा। लेकिन जो शेर होता है वो जोर जोर से हंसता है, वो कहता है तुम इतने छोटे से चूहे मेरे क्या काम आओगे। लेकिन वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, देखना मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा। तो शेर को उसमें दया आ जाती है और उसको मुस्कुराता हुआ छोड़ देता है, जाने देता है। एक दिन क्या होता है, शिकारी कोई जंगल में आता है और शेर के ऊपर जाल डाल देता है और शेर जाल में फंस कर रह जाता है। शेर जोर जोर से चिल्लाता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो, तब चूहा उसकी आवाज़ सुनता है और चूहा फटाफट आता है, उसका जितना भी जाल होता है वो अपने दांतों से काट देता है, शेर फ्री हो जाता है। अब वो जो चूहा और शेर है वो दोस्त बन जाते हैं क्योंकि चूहे ने शेर को छुड़ा लिया होता है। एक दिन क्या हुआ था, शेर ने चूहे को छोड़ा था, और दूसरा टाइम क्या हुआ, चूहे ने शेर की मदद कर दी। तो क्या होता है, यदि आप अच्छा करोगे तो हमेशा अच्छा ही पाओगे। तो इस कहानी का मॉरल भी यही है, या इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, डू गुड हैव गुड, यदि आप अच्छा करोगे तो हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये जो दोनों स्टोरी है, कैब सेलर मंकी एंड द लॉयन द माउस, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसमें से कोई सी भी स्टोरी आ सकती है। और इसको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है तो उसको लिख लेना अच्छे से और लिखकर लर्न कर लेना। ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए इसमें ही आपको फिल करना है, इस तरीके से आपको स्टोरी दी जाएगी और इसी तरीके से आपको लिखनी है। सो ये आपके सिलेबस में ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।